हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता के कुछ और शोज के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, सर्टनली ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मेरे सामने आती है और मैं हर बार ये कहती हूँ कि जैसे ही कुछ अपडेट होगा वो डेफिनेटली आपके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने हाल ही की जो स्टोरी की थी दैट वॉज अबाउट बांग्लादेश की, कहाँ पवन एंड अरुणिता विल रीच टू बांग्लादेश। अब इसके बारे में एक और चीज जो मुझे मालूम पड़ी है कि ये 12 मई डेट बताई जा रही है। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि चूंकि वहां पवनदीप अरुणिता के चाहने वाले बहुत हैं तो जून में भी कोई और शो हो सकता है। हालांकि वो कोई क्लैरिटी उसकी अभी आई नहीं है, लेकिन हाँ ये 12 मई की डेट आई है जो ढाका पहुंचने की आई है। तो चलिए ये एक अपडेट हो गया। अब दूसरा अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है नीदरलैंड्स का अपडेट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, नीदरलैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इट वॉज गोइंग अराउंड एवरीवेयर एवरी कॉर्नर दैट दे आर रीचिंग टू, आई मीन पवनदीप अरुणिता रीचिंग टू नीदरलैंड्स विद सलमान अली। एंड अच्छा लग रहा था भाई यार, अलग अलग देश में जाओ, ऐश करो, मजे करो। अब ऐसे में हो ये रहा था कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा आ नहीं रही थी, ओके। और चूंकि डच मेरी भाषा नहीं है तो मुझे और समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे में फिर मैंने कोशिश की, कुछ और सोर्सेस के जरिए बातचीत करने की कोशिश की। फिर मुझे एक दो लोगों ने बताया कि इस भाषा को ऐसे भी आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे समझ में कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने वेबसाइट पर एक देखा और वहां पर पवन एंड अरुणिता एंड सलमान, इनके पिक्चर्स दिखाए जा रहे थे एंड दिखाए गए हैं, और उसमें कुछ अपनी अपनी भाषा में लिखा है। जैसे देखकर मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये लोग जून में वहां पर जा रहे हैं, जून 2023 को जा रहे हैं। और फिर वहां पर फूड ट्रक की भी बात कही गई, तो मुझे जो एक ओवरऑल खाका बनकर मेरे सामने अभी तक का आता है वो ये है कि पवन, अरुणिता एंड सलमान, इन तीनों के ही वहां पर शोज होने वाले हैं। और साथ ही साथ वहां पर फूड ट्रक्स का भी अरेंजमेंट किया कि खाते भी रहो और सुनते भी रहो। सो कुछ इस तरीके से पिक्चर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी वेबसाइट की भी, जहां पर मैं गई थी वो वेबसाइट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मुझे बताया गया है। और पर फिर भी मुझे ऐसा लगा ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी छोटी सी अपडेट है जो शेयर की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो मैं आपसे वो खुशी बांटने के लिए आ गई हूं कि पवन अरुणिता और सलमान अली का जो नीदरलैंड्स का शो है जून महीने में, उसमें बहुत सारे और भी हंगामे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और भी कुछ कुछ नया होगा। आई मीन मैंने अभी तक कभी देखा नहीं कि पवन अरुणिता का शो चल रहा है और एक जो टिपिकल इंग्लैंड या फिर विदेशी जगह पर होता है ना कि कुछ लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, अलग अलग तरीके क्यूजींस अपना रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो एक बहुत हैप्पी और फेस्ट वाला माहौल बनकर तैयार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। अब चलिए जो भी वेबसाइट जब कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, मेरे पास और इन्फॉर्मेशन इंग्लिश या हिंदी या मराठी में या किसी और भाषा में भी आ गई, गुजराती में भी आ गई, तब भी मैं समझ जाऊंगी, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आपके सामने पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक ये मानकर चलिए कि नीदरलैंड्स का जो शो है पवन और अरुणिता का, वहां पर कुछ धमाल हो सकता है, कुछ तो अलग होने वाला है ऐसा मानकर चलिए। और कुछ होने वाला है तो अपडेट आपके सामने आ ही जाएगा। जय हिंद।